वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट पेपर। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने सेकेंड सीरीज भी इशू कर दी है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट सीरीज। इन केस किसी भी स्टूडेंट ने सीरीज वन को मिस किया है तो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सीरीज टू। इनकम टैक्स लॉस 50 मार्क्स, यू अंडरस्टैंड डिविजन ए 15 मार्क्स MCQs, और फिर हमारा डिविजन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड प्रैक्टिकल पोर्शन 35 मार्क्स। ओके, सो वी हैव केस स्टडीज। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू केस स्टडी का रहेगा, छोटी छोटी केस स्टडीज होंगी, उनके ऊपर बेस्ड MCQs रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि प्लीज़ पहले केस स्टडी नहीं पढ़नी चाहिए। जनरली मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप डायरेक्टली पहले क्वेश्चंस को रीड कर लें कि एक्चुअली एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे कि जब आप केस स्टडी पढ़ें तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, हाँ मुझे एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो आप पर्टिकुलर चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस दे पाएंगे। करेक्ट, सो मैं भी अभी केस स्टडी नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं आई रीड विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA फॉर दिस असेसमेंट ईयर। समझ में आता है, 10AA का क्वेश्चन है, राइट, SEZ यूनिट वाला। तो हमसे पूछा गया है कि कितना एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा और कितना टोटल टर्नओवर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट एंड टोटल टर्नओवर कंप्यूट करना होगा। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी टू मिस्टर संभव अंडर सेक्शन 10AA फॉर दिस असेसमेंट ईयर। सो वी अंडरस्टैंड, अगर आपको 10AA थोड़ा थोड़ा अगर भूल गए होंगे तो प्लीज याद कीजिए उसको, कि हमें कितनी डिडक्शन मिलती है वो डिपेंड करता है कि हमारा ईयर कौन से पोर्शन में फॉल कर रहा है। देखिए 10AA में फर्स्ट 5 ईयर्स में, अगर हमारा जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, जो हमारे फर्स्ट 5 ईयर्स होंगे वहां पर हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 50% मिलती है, और फिर लास्ट 5 ईयर्स में हमें 50% मिलती है विद सम कंडीशंस। करेक्ट, तो अब डिपेंड करते हैं कि हमारा असेसमेंट ईयर इसमें से कौन से पोर्शन में फॉल कर रहा है, हमें 100% डिडक्शन मिलेगी या 50% डिडक्शन मिलेगी। करेक्ट, किस चीज़ की मिलती है, जितना भी आपके प्रॉफिट्स हैं उसका हम प्रोपोर्शन करते हैं कि एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। आई बिलीव ये आपको फॉर्मूला याद रह गया। सिंपल फॉर्मूला है कि आपका प्रॉफिट को डिवाइड करिए कि आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड आपका कितना प्रॉफिट है। तो सिंपल है, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू योर प्रॉफिट्स। फर्स्ट 5 ईयर्स में आ रहा है तो 100% कर दीजिएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आ रहा है तो 50% कर दीजिएगा। राइट, तो हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिडक्शन 10AA में कितनी मिलनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर संभव फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पर हमें टोटल इनकम, हो सकता है कि इनकी किसी और हेड से भी इनकम आ रही होगी, तो अगर वो आ रही है या फिर नहीं आ रही है तो BGBP की इनकम, अगर आ रही है तो बाकी हेड से भी इनकम कैलकुलेट करके टोटल इनकम बतानी है। ओके, टोटल GTI या टोटल इनकम, टोटल इनकम। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये चैप्टर 6 से इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट रिजीम आती है या फिर ऑप्शनल रिजीम आते हैं। अब हम अपनी केस स्टडी पर आते हैं। करेक्ट, तो हमें तीन क्वेश्चंस थोड़ा सा हमारे बैक ऑफ द माइंड में एक आइडिया लग गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर के बारे में पूछ रहा था, सेकंड क्वेश्चन हमसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA के बारे में पूछ रहा है, एंड थर्ड वन इज आस्किंग अस अबाउट द टोटल इनकम की, एसएससी की टोटल इनकम कितनी है। चलिए विद दिस इंफॉर्मेशन नाउ, अब आप जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल ध्यान वहां पर चला जाएगा जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है। संभव एज 48 ईयर्स, ओके सीनियर सिटीजन नहीं है, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशन SEZ। समझ में आ रहा है, 10AA का क्वेश्चन है तो SEZ की तो बात होना लाजमी है। इन 2018 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया, इट बिगेन मैन्युफैक्चरिंग इन अप्रैल 18। अब देखिए ये पर्टिकुलर लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड जो हम अपना पीरियड स्टार्ट करते हैं, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर स्टार्ट करते हैं, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ मैनुफैक्चरिंग, जब आपने कमेंसमेंट किया। तो ऑल दो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था मार्च 18 में, बट दे बिगिन मैनुफैक्चरिंग इन अप्रैल 18। अब यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि हम उस फर्स्ट 5 ईयर्स में आ रहे हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आ रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स में आ रहे हैं। अब देखिए, अब हमारा फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, बिकॉज हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है अप्रैल 18 में, दिस मीन्स प्रीवियस ईयर मैं बोल सकता हूं 2000, दिस इज प्रीवियस ईयर 2018-19 में, दिस इज द फर्स्ट ईयर। अब यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, बिकॉज
हमारा प्रीवियस ईयर है, आर प्रीवियस ईयर इज 23-24, करेक्ट। अब हमें देखना होगा कि फर्स्ट फाइव ईयर्स में फॉल करते हैं नहीं करता, तो अगर आप सिंपल करेंगे 19, 20, 21, 22, 23, ये हमारा सिक्स्थ ईयर आ रहा है, एग्री है? चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, 19-20 सेकेंड ईयर, 20-21 थर्ड ईयर, 21-22 और फिर 22 और 23, ठीक है। आपको एमसीक्यूज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट लेने की कोशिश कीजिए सेफली, करेक्ट। ओके, तो मैंने यहाँ से देख लिया था 19 के बाद मैंने फाइव ईयर्स एकदम कैलकुलेट करके देखे, तो हमारा 22-23 में यहाँ पर एंड हो रहा था। अब हमारा नेक्स्ट फाइव ईयर्स का पोर्शन आ रहा है, दिस मीन्स कि हमें जब डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि सेकेंड पोर्शन हमसे पूछ रहा था ना 10 डबल ए की कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो वो तो हम आराम से निकाल लेंगे, प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, फिर उसको प्लीज मल्टीप्लाई बाय, अब हमें 50% करना पड़ेगा, करेक्ट, बिकॉज दिस इज द सिक्स्थ ईयर, गॉट इट। चलिए अब हमसे बोल रहा है ये कि टोटल सेल्स एसएससी की ड्यूरिंग दिस ईयर वॉज 85 लाख, ओके, एक्सपोर्ट सेल प्रोसीड्स रिसीव्ड इन इंडिया बाय 30th September 2024। मुझे प्लीज बताइएगा, वैसे तो ज्यादा कंसर्न नहीं है, बट फिर भी ये डेट हमें क्यों दी गई है, एक्सपोर्ट सेल्स की ये डेट हमें क्यों दी गई है 30th September 2024। सर हमें पता है 10AA में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखते हैं कि जितना भी आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर किया है हम उतना ही कंसिडर करेंगे जितना आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर रिसीव हो गया है। तो प्लीज बताइए, हमारा एंड हो रहा है, दिस इज आर प्रीवियस ईयर 23-24, करेक्ट, ये एंड होता है, लास्ट डे बता दीजिए इसका 31st March 2024 में ये एंड होता है, तो हमें सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर में इतना ही अमाउंट लेना है जितना रिसीव हो जाता है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम दिस डेट। तो दिस अगर आप यहाँ से मार्च से 6 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे सो यू विल गेट 30th September 2024, तो इसलिए इन लोगों ने ये डेट मेंशन कर दी है, तो अच्छी बात है। तो सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने कि एक्सपोर्ट सेल्स हमारी 45 लाख थी और ये रिसीव भी हो गई है अप टू 30th September, तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर इसमें से कुछ ऐसा बोलता कि हमारा टोटल ऑल्दो एक्सपोर्ट टर्नओवर 50 लाख था बट हमें रिसीव हुआ है अप टू दिस डेट 45 लाख, तो फिर हम सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 लाख को ही कंसिडर करते हैं व्हाइल गिविंग आवर डिडक्शंस, राइट। डोमेस्टिक सेल्स हमारी 40 लाख हुई है, ठीक है, एंड टोटल सेल्स देखिए 85, 45 जिसमें से एक्सपोर्ट, 40 लाख डोमेस्टिक सेल, आराम से रिकनसाइल भी हो रहा है। प्रॉफिट फ्रॉम द अबव अंडरटेकिंग इज 20 लाख, ओके, सो वी अंडरस्टैंड प्रॉफिट 20 लाख आ रहा है, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर का हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं इनटू 50% डिडक्शन देने के लिए। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट सेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इंक्लूड फ्रेट इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है कि ये जो हमारा 45 लाख द एक्सपोर्ट टर्नओवर विच इज गिवन बाय द एग्जामिनर, ये जो 45 लाख का टर्नओवर है इसमें से 5 लाख रुपीज तो फ्रेट इंश्योरेंस के हैं। तो प्लीज़ याद कीजिएगा, अगर एक्सपोर्ट टर्नओवर में कुछ फ्रेट इंक्लूडेड है, कुछ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, कुछ टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस इंक्लूडेड हैं, वो सब हम एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते, इनफैक्ट टोटल टर्नओवर का भी पार्ट नहीं मानते, इसको हम अपना टर्नओवर का पार्ट नहीं माना चाहता। तो आप देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा था, एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर बताइए, राइट, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है कि हम सीधा एक्सपोर्ट टर्नओवर लिख दें 45 लाख, टोटल टर्नओवर 85 लाख, कुछ ना कुछ तो एग्जामिनर ने दिया होगा हमें कैलकुलेट करने के लिए, तो वो चाहता है कि आप इस 5 लाख को डिडक्ट करिए अपने टर्नओवर की वैल्यू में से। तो सबसे पहले ये 5 लाख रुपीज एक्सपोर्ट टर्नओवर से माइनस होगा, तो इट वुड बी 40 लाख, और टोटल टर्नओवर का भी पार्ट नहीं बनता, -5, 80 लाख। तो हम अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो माई एक्सपोर्ट टर्नओवर वुड बी 40 लाख, माय टोटल टर्नओवर वुड बी 80 लाख, राइट, 5 लाख को एक्सक्लूड करना है आपको टर्नओवर की वैल्यू से। ही रिसीव्ड रेंट, अब देखो रेंट वगैरह की बात हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की आई बिलीव बातें हो रही हैं, तो फर्स्ट का मेरे पास आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है वैसे, और आगे देख लेंगे, ये तो आंसर नहीं है 45 और 85, माई आंसर वुड बी बी, एग्री है ना, 5 लाख 5 लाख दोनों में से हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 लाख एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड 80 लाख टोटल टर्नओवर। और जब अपनी डिडक्शन भी देंगे ना तो आप इसी रेशियो में दीजिएगा। आगे देख लेते हैं और कुछ इसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो हम अपना सेकंड का भी आंसर कर सकते हैं यहाँ तक ही, हम अगर मान लेते हैं कुछ एसईजेड यूनिट के बारे में कुछ और नहीं दिया गया तो हमारा 10AA की डिडक्शन पूछ रहा था वो हम आंसर कर पाएंगे, फिर भी एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं अपनी केस स्टडी।
ही रिसीव रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ फॉर द कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट टू मिस्टर आकाश अ सैलरीड इंडिविजुअल. तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट की है एट 30,000 रुपीज पर मंथ. कौन सी इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी? करेक्ट सर. कुछ स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट की है तो क्या पीजीबी की इनकम आएगी? नहीं. वेन एवर यू लेट आउट योर प्रॉपर्टी, अगर वो रेसिडेंशियल है और इन केस वो कमर्शियल भी है, दैट डजंट मैटर, दैट इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट. ये आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनती है. तो 30,000 रुपीज पर मंथ आपकी हाउस आपकी इनकम, इसका रेंट अमाउंट रेंटल अमाउंट है. तो 30,000 × 12, कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर सकते हैं, सीधा 30,000 × 12 कर देंगे, 360,000 सर ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. नहीं, दिस शुड बी द जीएवी. अगर बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सपेक्टेड रेंट वगैरह के बारे में तो दिस वुड बी द जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. फिर माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, फिर उसमें से 24 ए की डिडक्शन, 30% ऑफ एनएवी तो आपको देनी देनी पड़ेगी, राइट. अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो 24 बी भी आ सकता है. तो इसमें से जनरली जो क्वेश्चंस जब आते हैं, तो अगर रेंटल इनकम दी गई है तो जनरली एग्जामिनर ये देखा गया है कि वो टैक्सेस पेड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, वो इंटरेस्ट के बारे में नहीं बोलता, बट हाँ 30% की जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं 30% ऑफ एनएवी, वो तो हमें देनी पड़ेगी, करेक्ट. हाँ, अगर बाकी इन्फॉर्मेशन भी है म्यूनसिपल टैक्सेस और इंटरेस्ट भी, तो प्लीज अकॉर्डिंगली आपको लेना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना, सिंपल चल रहा है बिल्कुल. ही अर्नड इंटरेस्ट हो इसकी, अब देखो पीजीबीबी की इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, और अब इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट भी आ गया. ही अर्नड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 15,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफ 7,000 रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो हमारी आईएफओ इसकी इनकम भी आ रही है. संभव हैज शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएससी बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स. ओके, यहाँ पर हमारी केस स्टडी खत्म हो गई है. तो ये बोलते हैं कि संभव अपनी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं ले रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम ले रहा है. अब हमसे एक क्वेश्चन टोटल इनकम का भी पूछा. चलिए एक काम करते हैं, फर्स्ट का तो आंसर हमने कर दिया, सेकेंड का भी आंसर हम लोग कर सकते हैं. अब हमसे पूछा गया कि 10AA में कितनी डिडक्शन मिलेगी. तो वी अंडरस्टैंड कि टोटल प्रॉफिट है इनका 20 लाख रुपीज, और एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर. तो मैं सिंपल यहाँ पर कर सकता हूँ कि हमारा प्रॉफिट है, देखिए फॉर्मूला, अगर चलिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके समझने के लिए कि हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी. बट एग्जाम में प्लीज़ आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, ये फॉर्मूला वगैरह कुछ लिखना विखना नहीं होता आपको. डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, बिकॉज हमारा पीरियड नेक्स्ट 5 ईयर्स को बिलोंग करता है, तो 50% रहेगा, 100% नहीं रहेगा, 50% रहेगा, करेक्ट. इनटू जितना हमारा प्रॉफिट आए हैं अंडरटेकिंग के, इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, ठीक है. ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख दिया, प्लीज़ एग्जाम में इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा. आपको डायरेक्ट लिखना, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिएगा, और इनफैक्ट अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं. 50% इंटू प्रॉफिट कितने थे 20 लाख, अभी हमने देखे. एक्सपोर्ट टर्नओवर अभी हमने कैलकुलेट किया था 40, टोटल टर्नओवर 80, राइट. तो ये आराम से आ जाता है 50% 5 लाख रुपीज़ आ रहे हैं सीधा सीधा. एग्री है ना? तो 5 लाख आंसर है हमारे पास, डी आंसर इज 5 लाख, राइट. देखिए एग्जामिनर ने ना बहुत क्लेवरली 10 लाख भी दिया हुआ है. कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर सकते हैं, 50% नहीं लेंगे, पूरा 100% ले लेंगे, तो 10 लाख पर सोचेंगे ये सही आंसर है. प्लीज़ ठीक, थोड़ा सा देख कर आपको करना पड़ेगा, करेक्ट. और जिस अब जब आप ये इस तरीके से MTPs, पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें आराम से रिटेन हो पाती हैं और आप रिलेट कर पाते हो, करेक्ट. सिर्फ प्रोविजन्स अगर आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस की, तो उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है. ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया कि टोटल इनकम का. अब नाउ वी अंडरस्टैंड कि SSC की हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है, IFOS की भी इनकम आ रही है, और PGBP की भी इनकम आ रही है, करेक्ट. और क्या उसको, और क्योंकि सेविंग अकाउंट की बातें हो रही हैं, उसको डिडक्शन भी मिलेगी 80 TDA की, राइट. बिकॉज SSC देखिए सीनियर सिटीजन नहीं है, अगर सीनियर सिटीजन वो होते तो TTB की डिडक्शन दे देते, बट वहाँ पर सीनियर सिटीजन नहीं है तो TTA की सेविंग अकाउंट पर मिल जाती थी, और सेविंग अकाउंट का यहाँ पर इंटरेस्ट आ भी रहा है. और SSC साफ साफ बोला है क्वेश्चन ने कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट कर गया, अब वो ऑप्शनल स्कीम में आ रहा है. चलिए टोटल इनकम के लिए सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी करेंगे. एक तो PGBP की इनकम, PGBP की इनकम कितनी है इनकी, प्रॉफिट देखिए इनका, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है. प्रॉफिट इनका 20 लाख रुपीज़ आ रहा है, 20 लाख रुपीज़ आ रहा है, और इसमें से हम लोग डिडक्शन 10AA की भी ले रहे हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पर ही ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं. चलिए बाद में कर लेते हैं. तो PGBP की इनकम सबसे पहले 20 लाख रुपीज़ आई है,
हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी, आप डायरेक्टली फटाफट कैलकुलेट करिएगा। इनका रेंटल था अमाउंट 30,000 रुपीज, कोई म्यूनसिपल टैक्सेस की बातें नहीं हुई है, कुछ इंटरेस्ट की बातें नहीं हुई है। तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 30,000 × 12 360,000, ये तो आ गया हमारा जीएवी, म्यूनसिपल टैक्सेस कुछ नहीं है तो यही हमारा एनएवी आ गया। अब इसमें से 30% माइनस करिए, तो शॉर्टकट के लिए आप सिंपल कर सकते हैं 360,000 का 70% ले सकते हैं, राइट, क्योंकि 70% फिर हमारा टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो अगर मैं इसको एग्जाम में आता तो मुझे ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं सिंपल कैलकुलेटर पर करता 30,000 × 12 360,000, ठीक है, और सीधा इंटू 70% या 0.7 जो भी आप करना चाहें, दैट इज मैथमेटिक्स, तो 2,52,000 आ जाता है करेक्ट। सीधा 30% आप स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको देनी ही देनी होगी, समझ में आ रहा है, ओके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो 2,52,000 हमारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। अब हमारी IFOs की इनकम है, और हमें पता है कि सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है हमारा 15,000 रुपीज, ओके, ये तो हमारा है बैंक अकाउंट से, और 7,000 रुपीज हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से, तो 15 और 7 हमारा 22,000 हो जाता है, और हमारे दिमाग में 1080 TTAV है। यहाँ पर एक मिस्टेक होने के चांसेस हैं, अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि इनकेस हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से जब इंटरेस्ट आता है तो उसमें हम IFOs में पढ़ते हैं कि हमें उसकी डिडक्शन मिलती है 3500 की, ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड डिडक्शन है 3500 की, अगर इनकेस हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और इनकेस अगर ये ज्वाइंट अकाउंट होता है तो 7,000 रुपीज की। तो स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, वो 3500 और 7,000 माइनस करना भूल जाते हैं, एज द केस में भी यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट नहीं है तो इधर कितना माइनस होगा 3500, यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का IFOs की इनकम बनेगी रिमेनिंग 3500 की, एंड दिस इज 15,000, तो 15,000 और 3500 18,500 हमारी IFOs की इनकम बन रही है, ठीक है, कैलकुलेट करिए 20 लाख प्लस 2,52,000 प्लस 18,500, तो दिस इज 22,70,500, ये हमारा GDI आ गया। एक तो 10AA की हम लोग ऑलरेडी एग्जाम डिडक्शन निकाल चुके हैं 5 लाख रुपीस, एग्री है ना, अभी निकाला था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, और 80 TTA भी मिल जाएगा। TTA कितना मिलता है 10,000 रुपीज, और आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 18,500 है, तो 80 TTA हमारा मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। तो इसमें से 5,10,000 रुपीज़ माइनस कर दीजिएगा, माइनस 5,10,000 रुपीज़, टोटल हो गया हमारा 17,60,500। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है ये, 17,60,500 इज माई ऑप्शन नंबर ए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा गलती के चांसेस थी IFOs में, ठीक है, 3500 कुछ स्टूडेंट्स माइनस करना भूल सकते थे, प्लीज़ याद करिएगा। और क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं 3500 माइनस नहीं कर, देखिए कितना क्लेवरली एग्जामिनर ने वो आंसर भी दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि स्टूडेंट्स 3500 करना माइनस करना भूल जाएंगे, और ये आंसर भी दिया हुआ है 17,64,000, बहुत ज़्यादा चलाकी से, तो प्लीज़ आप उसके जाल में बिल्कुल ना फंसिए, ठीक है, ओके, चलिए जी। केस स्टडी नंबर 2 क्या करें, केस स्टडी पढ़ें या डायरेक्टली क्वेश्चंस, पहले सर डायरेक्टली क्वेश्चंस पढ़ते हैं, पहले देख लें कि एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, ठीक है। व्हाट इज मिस्टर अंशुल्स रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने हमसे, आगे देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान रखें, क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा क्या है। सेकेंड पूछा गया है उसके व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर दिस असेसमेंट ईयर, तो टैक्सेबल परक्यूजिट्स पूछे गए हैं, सिर्फ परक्यूजिट्स। और फिर थर्ड में व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ अंशुल फॉर दिस असेसमेंट ईयर, यानी कि यहाँ से हमारी सैलरी के हेड की इनकम पूछी गई है, करेक्ट। तो सैलरी हेड की जब आप इनकम निकालेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस इनका पूछा है एसएससी का, फिर टैक्सेबल परक्यूजिट्स और सैलरीड इनकम। अच्छा, सैलरी इनकम में ना बेसिक सैलरी डीए वगैरह तो होता ही है, अब इनके दोबारा से मत निकालिएगा, अगर आप टैक्सेबल परक्यूजिट्स पॉइंट नंबर 2 में निकाल चुके हैं तो परक्यूजिट्स वही वाले लीजिएगा, बाकी चीज़ें अगर कुछ दूसरे अलाउंसेस वगैरह बाकी चीज़ें हैं वो आप ले लीजिएगा, परक्यूजिट्स वही लीजिएगा थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, डबल डबल कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है ना, ओके। अब हम अपनी केस स्टडी पर आते हैं। इट सेज
ऐसे देखिए, ओके, अंशुल एज 54 इयर्स एंड इंडियन सिटीजन, ओके 54 इयर्स हैं, इज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी इंडिया लिमिटेड, ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ, ही यूज टू ट्रेवल फ्रीक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क, ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम डेली एयरपोर्ट ऑन 5th अक्टूबर 2023 एंड रिटर्न इंडिया ऑन 2nd अप्रैल 2024, ओके अब प्लीज मुझे बताइए क्या ये एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जा रहे हैं? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो हमारी जो सेकेंड बेसिक कंडीशन होती है ना 60 डेज वाली, फिर वो नहीं लगती। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हो गया, दिया गया है कि दिस पर्सन इज एन असिस्टेंट मैनेजर इन दिस कंपनी और ये कंपनी इनको बाहर भेजती है फॉरेन ट्रैवल करने के लिए अपने फॉरेन विजिट पर और ये वापस आ जाते हैं, ठीक है ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पर कि वो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर गए, वो नॉर्मली बाहर जा रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर हम दोनों कंडीशंस लगाएंगे 182 डेज भी और फिर सेकंड कंडीशन होती है 60 डेज और मोर प्लस लास्ट फोर इयर्स में 365 डेज की, ठीक है। और फिर आगे बोला गया है फ्रॉम और ये गए हैं 5th अक्टूबर 2023 को, जिस दिन जाते हैं वो दिन ऐड होता है, 5th अक्टूबर ऐड होगा और इनका रिटर्न हुआ है 2nd अप्रैल 2024 को, रिटर्न हुआ है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब सिर्फ हमें 1st अप्रैल 2023 से लेकर 5th अक्टूबर 2023 तक के डेज हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है वो कर लेंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में और देख लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में इनको बताना है। कुछ और इन्फॉर्मेशन है क्या? फॉर द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रेलेवेंट, डीएनएस बेसिक सैलरी तो ऊपर बताई दी थी 58,000 मिल रही है इनको, डीएनएस अलाउंसेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पज, ठीक है 100% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बेसिक डीए है कितना 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस इतना मिलता है, क्या बोनस परक्यूजिट होता है? नहीं, ठीक है परक्यूजिट नहीं होता बोनस, बट हाँ थर्ड क्वेश्चन में ना हमसे सैलरी इनकम भी पूछी थी तब तो इसको लेंगे, बट दिस इज नॉट अ परक्यूजिट, परक्यूजिट नहीं होता बोनस। मेडिकल अलाउंस मिलता है, आपको पता है मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, अगेन इट इज एन अलाउंस नॉट अ परक्यूजिट। ही वॉज ऑल्सो रिमबर्स मेडिकल बिल फॉर ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग टू ₹15,000, उनको मेडिकल बिल रिमबर्स हुए हैं, इज दिस अ परक्यूजिट? एग्जेम्प्ट होता है क्या? नहीं सर, वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब्ड हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब डिजीज वाली बातें एग्जेम्प्ट होती हैं, दिस इज टैक्सेबल, तो ये परक्यूजिट है, दिस इज परक्यूजिट। और कहीं पर क्वेश्चन ने हमें परक्यूजिट भी पूछा था तो ये काम आएगा हमारे लिए, दिस इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट 15,000, तो मैंने पी लिख दिया साइड में। ही वॉज ऑल्सो रिइंबर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट मतलब 4,000 पर मंथ, यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल्सो टैक्सेबल परक्यूजिट, 4,000 × 12 पर मंथ है ना, तो 4,000 × 12, 48,000, दिस इज अगेन अ परक्यूजिट। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग ₹2,400, प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है, अगर प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं इसको हम, अगर एम्प्लॉयर पे करते हैं तो पहले इसको हम इट्स अ टैक्सेबल परक्यूजिट, पहले इसको हम सैलरी का पार्ट बनाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ परक्यूजिट, और बाद में इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है राइट अंडर सेक्शन 16। बट प्लीज याद कीजिएगा अगर आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, बट अगर एसएससी ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो फिर इस डिडक्शन को भी वो ले सकता है, तो दिस इज अ परक्यूजिट। उसके बाद 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय एबीसी लिमिटेड एट अ रेट ऑफ 250 पर शेयर अगेंस्ट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 350 ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, शॉर्ट इक्विटी शेयर्स की बातें हो रही हैं, कितने का फेयर मार्केट वैल्यू 350 का और हमें कितने में अलॉट किया जा रहा है 250 में, 100 रुपीज पर शेयर की सेविंग हो रही है यहां पर, कितने शेयर हैं 400 यानी कि 40,000 का, दिस इज ऑल्सो अ परक्यूजिट। तो जब आपको क्वेश्चन नंबर 2 परक्यूजिट पूछ रहा होगा तो हमारे पास कुछ परक्यूजिट्स आ रहे हैं। एच पॉइंट बोल रहा है अंशुल हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर 115BAC, तो शिफ्ट आउट कर रहा है, ये हमारे हमें कब काम आएगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में जहां पर हमसे सैलरी इनकम पूछी है, तो जब हम सेक्शन 16 में डिडक्शन देंगे इसको, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे और साथ साथ में जितना हमारा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स पे हुआ है, चाहे वो हमने पे किया चाहे एम्प्लॉयर ने पे किया, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करते फिर हमें ये डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती राइट, बट ये सबसे पहले तो ये परक्यूजिट का पार्ट बनेगा ही बनेगा राइट। तो परक्यूजिट के लिए तो हमारे पास ये 4 पॉइंट हैं और इसके बाद हमें बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, इसके बाद क्वेश्चन हो गया साइलेंट, यानी कि हमें सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। चलिए देखते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि अंशुल के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताइए फॉर दिस असेसमेंट ईयर। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है। तो अगर नंबर ऑफ डेज देखेंगे तो वी अंडरस्टैंड, अगर आप कैलकुलेटर पर करना चाहें तो कैलकुलेटर पर डायरेक्टली कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ इसको। अप्रैल के पूरे 30 डेज, May 31, दिस इज अप्रैल 2023, करेक्ट। May 31, June 30, July 31, August भी पूरा 31 और September 30, 180 से ज़्यादा ही लग रहे हैं मुझे ना। अक्टूबर के कितने आ गए, 5th October। उसके बाद ये इंडिया आए थे, फिर वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आए थे, इस प्रीवियस ईयर में नहीं आए। तो जस्ट कैलकुलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 180 ये हो गया, 5, 182 से तो कहीं ज़्यादा हो गया ये, ठीक है थोड़ा ज़्यादा निकल गया। तो 182 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, यानी कि इतना पता चल गया कि दिस पर्सन इज अ रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है, ठीक है। अब हम एडिशनल कंडीशंस पर आएंगे। एडिशनल कंडीशंस के लिए हमें पुराना 7 साल या पुराने 10 साल की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो पता चल गया कि वो रेसिडेंट है, बिकॉज 182 डेज वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। व्हाट इज मिस्टर अंशुल रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंट, रेसिडेंट तो है, ठीक है, बट कांट डिटरमाइन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि हम रेसिडेंट तो पक्का हैं वो, और हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमें प्रीवियस 7 ईयर्स और प्रीवियस 10 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, बट फिर भी एक बार मैं बाकी आंसर चेक करूंगा। सेकेंड कहता है नॉन रेसिडेंट, बिल्कुल भी नहीं, गलत है, 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ये तो हम बता ही नहीं सकते बिकॉज हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो द आंसर वुड बी ए ओवर हेयर, कि रेसिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं, हम बता सकते बिकॉज वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा था परक्यूजिट्स कितना टैक्सेबल होगा। तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, हमारे पास 4 परक्यूजिट्स आ रहे हैं। तो दिस इज 15,000 एंड दिस इज 48,000। तो 15,000, 4,000 इंटू 12, 48,000, 2,400 प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी परक्यूजिट है। और यहाँ पर स्वेट इक्विटी पर हमें 100 रुपीज पर शेयर का फायदा हो रहा है, इंटू 400, 40,000 ही आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, हमारे पास 4 परक्यूजिट्स आ गए हैं। तो 15,000 प्लस 48,000 प्लस 24 प्लस 40, सो 1,27,000 आ रहा है। आपका भी यही है क्या? ठीक है, 127, मैंने कुछ मिस करा है? 15,000, 4,000, कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या मेरी? 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, हाँ मेरी कैलकुलेशन एरर है गाइस, इट इज़ 1,05,400। वो मैंने 24,000 ले लिया था गलती से, 2,400 था, 105,400 गाइस, ठीक है, 105,400, सो 105,400 आंसर इज सी, करेक्ट। ओके, नाउ अब हमें बतानी है सैलरी इनकम हमारी कितनी है। तो सैलरी इनकम होगी हमारी, देखिए सबसे पहले तो बेसिक सैलरी, अब देखिए परक्यूजिट से ऑलरेडी टैक्सेबल हमारे पास आ गया 105,400। तो दोबारा से आपको मैं यही बोल रहा था कि आप दोबारा से डी ई एफ और जी दोबारा कैलकुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन सब का जो टैक्सेबल अमाउंट है 105,400 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बाकी का हमारा ए बी सी हम देख लेंगे, और बेसिक सैलरी ऊपर दी गई है। तो मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेट करता हूँ तो बेसिक सैलरी है इनकी 58,000 इंटू 58 ही था ना, कैलकुलेशन एरर ना हो जाए दोबारा मेरी, ठीक है, 58,000 इंटू 12, तो 58,000 इंटू 12, सो दिस कम्स टू 6,96,000। ओके, डीए था इसका 10%, 69,600 ये डीए था, वहां पर बोनस भी था ना, डीए हो गया इतना, बोनस हो गया 98 और मेडिकल अलाउंस 60,000, ठीक है। तो बोनस 98,000, 98 और 60, मैं ध्यान से कर रहा हूँ मेरी कैलकुलेशन ना हो जाए, दिस इज
मेडिकल अलाउंस. अच्छा मेडिकल अलाउंस तो फुली टैक्सेबल होगा, इट्स एन अलाउंस. सो दिस इज हाउ मच इट इज 60. और हमारे परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 105,400. कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी. फिर इसमें से आप अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो हमारा 2400 डिपॉजिट हो गया वो भी माइनस करना पड़ेगा. तो 698,000 into 12, 698,000 plus 10% plus 98,000 plus 60 plus 105,400. तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई है, ग्रॉस सैलरी आ रही है हमारी 110,29,000. ओके, इसमें से माइनस कीजिएगा, इसमें से माइनस करें आप लोग एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और एक टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स 2400. The answer is A over here. Got it? ठीक है, आराम से कर पाएंगे. तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल, DA पूरा टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल होता है, अलाउंसेस टैक्सेबल. ठीक है, मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल अलाउंस. परक्यूजेट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे और फिर बाद में आपको क्योंकि सैलरी हिट की इनकम निकालनी है सो यू हैव टू डिडक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल्सो. और क्योंकि SAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर गया तो हम 2400 टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की भी डिडक्शन दे पाएंगे. सो माई आंसर इज 976,600. गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. अब दोनों हमारी केस स्टडी हो गई हैं और दो MCQ रह गए हैं, थर्ड और फोर्थ. मिस्टर रॉस एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, अच्छा प्लीज बताइए, मिस्टर रॉस एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, कहां पर एम्प्लॉयड है? इंडियन एम्बेसी, जो कहां पर सिचुएटेड है? ऑस्ट्रेलिया. मतलब मिस्टर रॉस एक ऑस्ट्रेलियन है, इंडियन सिटीजन बिल्कुल भी नहीं है. और कहां पर जॉब कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही. वहां पर इंडियन एम्बेसी है बट काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में ही. अच्छा, एक हमारा कंसेप्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन सिटीजन को पैसे देती है, ठीक है, राइट, तो अगर हमारे इंडियन सिटीजन को वो पैसे देती है हु इज पोस्टेड अब्रॉड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसे दे रही है, इफ ही इज अ इंडियन सिटीजन, तो उसकी इनकम टैक्सेबल मानी जाती है इन इंडिया में, डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाती है, राइट, टैक्सेबल होती है. ठीक है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होगी बट उनके फॉरेन अलाउंसेस, फॉरेन परक्यूजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, वो बात हम सैलरी में पढ़ते हैं. बट वो सिर्फ मैं आपको कंसेप्ट याद दिला रहा था. बट प्लीज़ वहाँ पर ये कंसेप्ट मत लगाइएगा बिकॉज इस तरफ यहाँ पर ये इंडियन सिटीजन नहीं है, राइट, तो ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया. वो भले ही इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं बट ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया. ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25. तो ये नॉन रेसिडेंट भी हैं, राइट, तो अगर ये नॉन रेसिडेंट है तो इनकी कोई भी इनकम जो इंडिया में अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है वो टैक्सेबल होगी. जो इंडिया में अराइज नहीं हो रही, रिसीव नहीं हो रही, वो टैक्सेबल नहीं होगी. अब बिकॉज ही इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले तो ये इंडियन सिटीजन भी नहीं है. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर इनको पैसे भी मिलते तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ इंडियन सिटीजन. दूसरी बात, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑल्सो. तो क्या ये इनकम इंडिया में अराइज हो रही है? सर वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं बट वो कहाँ पर काम कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में. एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो अ नॉन रेसिडेंट एंड इवन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन. वो इनकम तो इंडिया में अराइज हो ही नहीं रही इनके लिए. एग्री हैं? आगे लिखा हुआ है, ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेज इन ऑस्ट्रेलिया. और पैसे भी कहाँ मिलते हैं इनको? ऑस्ट्रेलिया में. ऐसा भी नहीं कि वो इनके इंडिया में रिसीव हो रहे हैं. साफ साफ लिखा हुआ है कि ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेज इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दिस इनकम इज नीदर अराइजिंग इन इंडिया नॉर रिसीव्ड इन इंडिया. एंड फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे मिलते हैं. तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे मिलते हैं तो क्या हम इसको टैक्सेबल करेंगे? वो सिर्फ उसी केस में करते हैं अगर ये इंडियन सिटीजन होते. अभी ये इंडियन सिटीजन नहीं है. इन एडिशन ही वॉज अलाउड परक्यूजिट बाय द गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ओके, इसमें से कुछ भी टैक्सेबल होने वाला नहीं है. सैलरी अलाउंसेज एंड परक्यूजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रॉस सिंस ही इज अ नॉन रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक लग रहा है. आगे लिखा हुआ है, सैलरी अलाउंसेज एंड परक्यूजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय रॉस आर टैक्सेबल इन इंडिया. नहीं, बिल्कुल गलत है, टैक्सेबल नहीं है इंडिया में. सिंस इट इज डीम्ड, ये बोल रहा है सिंस इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. नहीं, अगर वो इंडियन सिटीजन होते तब ये बात सही होती, बट हियर द पर्सन इज नॉट अ इंडियन सिटीजन. सी, सैलरी रिसीव्ड बाय रॉस इज टैक्सेबल इन इंडिया बट अलाउंसेज एंड परक्यूजिट आर एग्जेम्प्ट. नहीं, टैक्सेबल नहीं है इन केस के.
सैलरी रिसीट बाय रॉस इज एग्जेम्प्ट इन इंडिया बट अलाउंस एंड परक्यूज़र आर टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं. आंसर इज 100% करेक्ट. गॉट इट. वो टैक्सेबल नहीं होगा. अगर ये सिर्फ इंडियन सिटीजन होते, इनकेस अगर ये नॉन रेसिडेंट भी हैं बट अगर वो इंडियन सिटीजन होते तो हम उसको टैक्सेबल कर देते, बट उस केस में फॉरन अलाउंसेज फॉरन परक्यूज़र्स एग्जेम्प्ट रहते हैं, सिर्फ सैलरी ही टैक्स बेसिक सैलरी ही टैक्सेबल करते हैं उस केस में. ओके लास्ट एमसीक्यू फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5) रिवाइज रिटर्न का होता है. ठीक है, कौन कौन सी रिटर्न रिवाइज हो सकती है पूछ रहा है. अ रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1) यानी कि नॉर्मल रिटर्न रिवाइज हो सकती है. हाँ रिवाइज हो सकती है. बिलेटेड रिटर्न फाइल अंडर 139(4) ये भी रिवाइज हो सकती है. हाँ ये भी रिवाइज हो सकती है. 139(5) में लिखा हुआ है कि अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहें, दोबारा से रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं. बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज कर सकते हैं. लॉस रिटर्न जो 139(3) में होती है, देखो लॉस रिटर्न 139(3) वाली इज इक्वल टू 139(1) ही, बस सिर्फ वो लॉस की होती है. बट 139(3) वाली रिटर्न और 139(1) वाली रिटर्न में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही ड्यू डेट तक जाती है. बट हाँ ये एक पॉजिटिव रिटर्न है, जस्ट ये नेगेटिव रिटर्न है, अदरवाइज दोनों पर सेम ही प्रोविजन लगते हैं. तो 139(5) में लिखा हुआ है 139(1) वाली रिटर्न और 4 वाली रिटर्न रिवाइज हो सकती है. और इनफैक्ट बिकॉज 139(3) इज इक्वल टू 139(1) इसलिए ये भी रिवाइज हो सकती है. समझ में आता है. तो यहाँ पर हमारी तीनों ही रिटर्न्स रिवाइज हो सकती हैं. तो ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, and 3. द ऑप्शन वुड बी डी ओवर हियर. गॉट इट. चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पर आ गए हैं जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा. ठीक है, 35 मार्क्स का. एंड बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, और 4 में से आपको 2 क्वेश्चन ऑप्ट करने पड़ेंगे. राइट, बाकी 3 में से 2 क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं आपको. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और ये है टोटल इनकम का. राइट, टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है. सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि आपको एग्जामिनर ने पूछा क्या है. तो अगर आप नेक्स्ट पेज पर आके देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूट टोटल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल एज पर द मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन स्कीम ऑफ मिस फरा फॉर दिस असेसमेंट ईयर. यानी कि साफ साफ लिख दिया मोस्ट बेनिफिशियल टैक्सेशन स्कीम. इसका मतलब हमें डिफॉल्ट रिजीम के अकॉर्डिंगली भी टैक्स निकालना पड़ेगा, हमें ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी इनकम और फिर टैक्स निकालना पड़ेगा, और दोनों को कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि इनके लिए मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा. यानी कि एग्जामिनर हमसे दोनों स्कीम पूछ रहा है यहाँ पर. ठीक है, और मैंने इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैंने कैसे बताया था. ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि एक काम कीजिएगा, पहले एक बार आप किसी एक स्कीम से, जनरली डिफॉल्ट स्कीम से, आप पूरा अपनी कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा फर्स्ट पेज पर. राइट, उसके बाद जब आप अपनी ऑप्शनल स्कीम के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो दोबारा से सारी कैलकुलेशंस नहीं दिखाने की जरूरत है. आप GTI को ही एडजस्ट कीजिएगा. जो आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से GTI निकाला है, अगर मान लेते हैं कि ऑप्शनल में, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जहां पर ऑप्शनल में और डिफॉल्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो समझ लेंगे हम लोग कि जो डिफॉल्ट से GTI निकाला है, यानी कि मान लेते हैं कि कुछ जैसे चेंजेस होते हैं, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन के हो गए या 35AD की चीज़ें हो गई, जो मान लेते हैं डिफॉल्ट में और हमारे ऑप्शनल स्कीम में अलग अलग होती है, तो आप क्या कीजिए, किसी एक का, जैसे आपने डिफॉल्ट रिजीम से आपने अपनी सारे हेड की इनकम निकालकर GTI निकाल दिया, यही आप GTI लेकर चले जाइए ऑप्शनल स्कीम में. हो सकता है कि आपके आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफॉल्ट में और ऑप्शनल में कोई चेंजेस नहीं थे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्टली GTI से ही शुरू करेंगे और वहाँ पर लिख दीजिएगा इन दिस क्वेश्चन देर इज़ नो चेंज बिटवीन डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल. हाँ, बाद में आपके चैप्टर 6 से वाली डिडक्शन तो शुरू करिएगा, इसलिए मैंने कहा टोटल इनकम मत ले जाइएगा, GTI ले जाइएगा. राइट, अगर मान लेते हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, अगर थोड़े बहुत ज़्यादा ज़्यादा हुए ना एग्जाम में, अगर आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 चेंजेस मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं देगा एग्जामिनर आपको, तो क्या कीजिएगा, जो आपने डिफॉल्ट स्कीम से GTI निकाला होगा वही आप यहाँ पर ऑप्शनल स्कीम में लेके जाइएगा, और जो भी चेंजेस हैं 2-3 जो भी चेंजेस दिए गए हैं उसको एडजस्टमेंट कीजिएगा उसकी, तो फिर आपका GTI आ जाएगा एज पर ऑप्शनल स्कीम, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप चैप्टर 6 से भी दीजिएगा उसका टैक्स निकालिएगा. ठीक है, तो अभी आप देख लीजिएगा जिस तरीके से जब मैं करूँगा. तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो हमें पता चल गया एग्जामिनर ने हमसे टोटल इनकम भी पूछा है और टैक्स लाइबिलिटी भी पूछी है, टैक्स पेबल भी पूछा है, और दोनों स्कीम के बारे में वो बातें कर रहा है. राइट, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं. मिस फरा एज 40 years इज एन एडवोकेट टैक्सेशन. ओके, शी कीप्स हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अक्रूअल बेसिस. ऑल्दो अगर कुछ भी नहीं दिया होता वी ऑलवेज अज्यूम की मर्केंटाइल अक्रूअल बेसिस ही, बट हाँ अगर कैश बेसिस दिया होता तो फिर हम उनके सारे एक्सपेंसेस या सारी इनकम कैश बेसिस पर लेते, बट हेयर द असेसी इज मेंटेनिंग ऑन अक्रूअल बेसिस. ठीक है,
Her profit and loss account for this year is as follows. Profit and loss account दिया हुआ expenses net profit. एक एक करके expenses एक बार check कर लेते हैं. Staff salary 40,10,000 rupees. देखिए staff salary देना allowable expense होता है. हाँ unless and until कुछ information में इसके बारे में mentioned है तो फिर accordingly हम लोग कर लेंगे. Otherwise we understand कि staff salary allowable expense होता है. Although section quote नहीं करना but it is section 37 में allowed होता है. Rent अगर ये आपका ऑफिशियल बिजनेस पर्पस के लिए है प्रोफेशनल पर्पस के लिए तो ऑब्वियसली अलाउड होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउड 37 में अलाउड होते हैं. इंसेंटिव टू ऑफिस स्टाफ यस इट इज आल्सो अलाउड एज अ प्रोफेशनल एक्सपेंस बिजनेस एक्सपेंस. मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेज में इनका कुछ 170,000 rupees के एक्सपेंसेज हुए हैं. अगेन इट्स इज अलाउड अ बिजनेस एक्सपेंस. परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज. अच्छा ऐसा ना मुझे सिमिलर क्वेश्चन आपका लग रहा है कि स्टडी मटेरियल में भी हमने किया था राइट. स्टडी मटेरियल का जो हमने टोटल इनकम की प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं वहां पर भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ. ओके एनीवेज परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज ऑन 1/7/2023. अब देखिए 3 lakh rupees इन्होंने डेबिट किए हुए हैं. दिस शुड नॉट बी अलाउड. वाई? बिकॉज इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर ये इनके ऑफिस के लिए बिजनेस के लिए कार है भी तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा करेक्ट. तो ये 3 lakh rupees को हमें एड बैक करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अलाउड तो इसको अलाउ नहीं करेंगे और इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. और मोटर कार के ऊपर मोटर व्हीकल्स के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है 15%. इन केस अगर किसी का बिजनेस है हायर बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है उस केस में 30% होता है. बट हेयर द बिजनेस वैसा नहीं है. दिस पर्सन इज एन एडवोकेट शी इज एन एडवोकेट तो 15% रेट लगेगा. और इन केस अगर डेट ऑफ परचेज के बाद डेट ऑफ पुट टू यूज मेंशन नहीं होती तो हम मानते हैं कि द डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ पुट टू यूज इज वन इन द सेम. तो अगर 1/7/2023 को हम एज्यूम करेंगे तो अगर जुलाई से लेंगे तो 180 डेज से ज्यादा ही आ रहे हैं इसमें तो फिर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा 15% राइट. अगर इनकेस ये अक्टूबर वगैरह में कहीं पर होता तो हम लोग देखते हैं कि 180 डेज से कम हुए अगर 179 और लेस देन हाफ डेप्रिसिएशन आता. बट ऐसा यहाँ पर है नहीं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार 35,000 rupees और अलाउड होना चाहिए वैसे तो ठीक है. कौन से सेक्शन सेक्शन मुझे पता है कोट नहीं करना आपको बट फिर भी थोड़ा अगर आइडिया हो आपको सेक्शन का तो इट इज़ अलाउड वैसे तो. बट सेक्शन 31 सेज कि अगर रिपेयर्स और इंश्योरेंस ऑफ मशीन या फर्नीचर होता है तो इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 31 ठीक है. सिर्फ आपको रिकैप करने के लिए मैं सेक्शन कोट कर रहा हूँ. अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है सेक्शन कोट करने की एग्जाम्स में. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इफ इट इज़ अ बिजनेस ट्रैवल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अलाउड है. म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. अब देखिए म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पे किए हैं. अगर हम क्रेडिट साइड में देखें तो यहाँ पर रेंटल इनकम भी आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की. सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी हेड. यहाँ से ये हम डिसअलाउ करेंगे तो ये अलाउ हम नहीं करने वाले. ओके बाकी चीज़ें तो प्राइमर फेसी ठीक लग रही हैं. हाँ उनके बारे में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन में मैंशनड है कि कुछ कैश में पेमेंट हुआ था या कोई और प्रॉब्लम है तो हम अकॉर्डिंगली वैसे ट्रीट करेंगे. अदरवाइज सिर्फ ये दो एक्सपेंसेस जो गलत डेबिट लग रहे हैं हमें. क्रेडिट साइड में देखें तो क्रेडिट साइड में हमेशा जैसे हमें टोटल इनकम के क्वेश्चन में देखना होता है कि अलग अलग हेड्स की इनकम निकालनी है. तो राइट नाउ वी आर मोर कंसर्न विद पीजीबीपी इनकम. तो इनकेस अगर कोई भी ऐसी इनकम है जिसको दूसरे हेड में जाना चाहिए तो हम इसको यहाँ से हटाएंगे और फिर दूसरे हेड में लेकर जाएंगे. दूसरी चीज़ अगर कोई ऐसी इनकम क्रेडिट कर दी एसएससी ने जो कि एग्जेम्प्ट होनी चाहिए दैट शुड बी एग्जेम्प्ट. फिर भी अगर हम यहाँ पर क्रेडिट कर दिए तो उसको यहाँ से हटाएंगे और उसको कहाँ पर लेके जाएंगे कहीं लेके जाएंगे बिकॉज दैट इज एन एग्जेम्प्ट इनकम राइट. तो अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम क्रेडिट है तो इट्स ओके. अगर आपके दूसरे हेड की इनकम क्रेडिट है तो यहाँ से हटाइए और उसको रिस्पेक्टिव हेड में लेकर जाइए. फीस अर्नड टैक्सेशन सर्विसेज अपील्स कंसल्टेंसी तो ये अलग अलग मोड से इनको फीस मिली है. दिस इज नथिंग बट हर प्रोफेशनल फीस. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें 81 lakh से ये तो बिल्कुल ठीक है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ग्रॉस 11 lakh rupees. सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट पीजीबीपी इनकम डिविडेंड इनकम आया हमारा दिस वुड गो इन IFOS करेक्ट. और यहाँ पर हमें इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं क्यों क्योंकि नेट अमाउंट नहीं दिया हुआ. अदरवाइज सबसे पहले ध्यान दीजिएगा ये शायद मैंने आपको लास्ट वाले MTP में भी बताया था. अगर यहाँ पर नेट अमाउंट होता ठीक है. नेट अमाउंट का मतलब है इट इज आफ्टर TDS राइट. यहाँ पर तो ये बिफोर TDS है ग्रॉस अमाउंट. तो इनकेस अगर ये नेट अमाउंट होता सबसे पहले तो जितना भी अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट है उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा बिकॉज दैट इज नॉट PGBP. इधर इट इज अ ग्रॉस अमाउंट और अ नेट अमाउंट. सबसे पहले तो यहाँ से हटाइए और फिर जब आप उसको रिस्पेक्टिव हेड में लेकर जाएंगे
जैसे इस केस में डिविडेंड है तो हम IFOS में लेके जाएंगे, तो वहां पर हमें ग्रॉस लेवल पर लेकर जाना चाहिए, ग्रॉस अमाउंट पर। तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ग्रॉस अमाउंट है, तो 11 लाख हम अपनी IFOS की इनकम बना देंगे। इन केस अगर ये नेट अमाउंट होता पहले तो सबसे पहले यहाँ से हटा देते, बट जब हम IFOS में ले जाते हैं तो उसको हम ग्रॉस में कन्वर्ट करते। तो सिंपल है, तो लेट से आपको पता है डिविडेंड के ऊपर 10% का रेट ऑफ TDS होता है, इसका मतलब जो हमें मिला वो 90% होता। तो आप सिंपल प्लेन मैथमेटिक्स कर सकते थे, नेट अमाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ग्रॉस अमाउंट में जो नेट अमाउंट मिला है वो 90% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाय 90 × 200 करेंगे तो आपको ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा। दैट आई बिलीव आपको अच्छे से आ गया ये बातें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी डिस्कस भी किए हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम 2015 25,000 रुपीज। गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। तो आपको यहाँ से इनकम 25,000 यहाँ से हटाना पड़ेगा, एंड दिस इज एन एग्जेम्प्ट इनकम, किसी दूसरे हेड में नहीं जाएगी। ऑनोरियम रिसीव्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स 50,000 रुपीज का ऑनोरियम मिला है, दैट इज अगेन IFOS इनकम, यहाँ से इसको हटाइए, IFOS में लेके जाइए। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। और फिर हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करेंगे। देखिए क्या यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम लिखा हुआ है या फिर रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है? दिस इज रेंट रिसीव्ड, इसका मतलब ये हमारा GAV बन जाएगा इन केस अगर एक्सपेक्टेड रेंट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो दिस वुड बी आर GAV, राइट? तो हमारा GAV 90,000 रुपीज हो गया। म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने पे किए हैं 9,000 रुपीज के, 81,000 वुड बी द NAV, और NAV के बाद 24A 24B की डिडक्शन, 24A तो आएगा ही आएगा, 30% ऑफ NAV स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी, करेक्ट? 24B अगर हमारा कोई इंटरेस्ट वगैरह जा रहा है इस हाउस के ऊपर तो हम फिर उसको भी 24B को भी देख लेंगे, राइट? तो आपकी तीन हेड की इनकम आ रही है, एक तो PGBP तो है मेन, दूसरा IFOS की इनकम आ रही है और हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम आ रही है, करेक्ट? कैपिटल गेन की अभी कहीं पर मुझे कोई इनकम नहीं मिली है और सैलरी हेड भी नहीं मिला है, तो तीन हेड से इनकम आ रही है। एक बार अदर इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹50,000 पेड टू टैक्स कंसल्टेंट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस फरा इन वन ऑफ द प्रोफेशनल असाइनमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमने देखा था कि एक्सपेंसेस डेबिट था PNL अकाउंट में, और वहां पर उसमें इंक्लूडेड है ₹50,000 जो हमने कैश में पे किया है। वी अंडरस्टैंड दैट 10,000 से ज़्यादा अगर आप पे करते हैं तो डिसअलाउड होता है, सेक्शन कोट करना चाहते हैं तो कोट कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है, 40A3 में डिसअलाउड होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरन प्रोफेशनल टूर फॉर ₹50,000 विच वॉज विद इन द RBI नॉर्म्स। तो हमने ट्रैवल किया है, ट्रैवल किया है एंड दैट टू फॉर आर प्रोफेशनल पर्पस, तो देर इज नो इशू एट ऑल। तो इन केस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 5 लाख में ₹50,000 इंक्लूडेड था, बट दैट इज अगेन फॉर आर बिजनेस और प्रोफेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अलाउड। तो इसके लिए हमें कुछ कंप्यूटेशन तो नहीं करना, बट हाँ हमें एक छोटा सा नोट देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट MTV में भी समझाया था कि अगर एग्जामिनर ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दी है और आप उसको प्यार से इग्नोर कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि उसको इग्नोर करना था, तो प्लीज़ उसको बता दीजिएगा एग्जामिनर को कि बॉस हम इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज दिस इज एन अलाउेबल एक्सपेंस और ऑलरेडी डेबिटेड है, तो देर इज नो फर्दर एडजस्टमेंट रिक्वायर, राइट? थर्ड पॉइंट, मिस फरा पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हर पेरेंट्स, ओके? यानी कि 80D की बातें हो रही हैं, ठीक है? पेरेंट्स के लिए हम मेडिकल इंश्योरेंस पे कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन हर, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ स्टूडेंट्स को, सर डिपेंडेंट नहीं है तो अलाउड नहीं होगा। देखिए 80D में पेरेंट्स के लिए मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट चलेगा यहाँ पर। और क्योंकि जनरली तो लिमिट रहती है पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपीज़, इनकेस अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपीज़ की लिमिट हो जाती है। तो कितना अमाउंट पे हुआ है? 47,000 रुपीज़ का, और लिख भी दिया इन्होंने कि ऑनलाइन पे किया है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कैश में पे करते हैं तो दैट इज़ नॉट अलाउड। तो हम 47,000 तक कर सकते हैं आराम से, बिकॉज 50,000 तक की लिमिट है, 40,000 इज ओके विद अस। बट इनकेस अब असेसी कौन सी रिजीम, अच्छा हमें तो दोनों रिजीम से निकालना था ना, तो प्लीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारा ऑप्शनल स्कीम से जब हम करेंगे तो हम 80D की डिडक्शन देंगे, बट आपका डिफॉल्ट रिजीम से तो आपकी डिडक्शन आएगी नहीं। उसके बाद शी ऑल्सो पेड 8,500 बाय कैश, अच्छा, टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फॉर हर सेल्फ एंड हर स्पाउस, हमें पता है कि कैश में अलाउड होता है
बट मैक्सिमम 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ की डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, क्योंकि वो स्पाउस और अपने लिए किया है, और दूसरा पेरेंट्स के लिए 50,000 तक की लिमिट है, 47 मिल जाएगा, 47,000 और फिर इसमें से 5,000, 52,000 ATD मिलेगा जब आप ऑप्शनल रिजीम से अपना टैक्स निकालेंगे, करेक्ट। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार इज फॉर द पीरियड 1/10/2023 टू 30/9/2024। अब देखिए आप देख क्या रहे हैं यहाँ पर, अक्टूबर 23 से ये सितंबर 2024 का रिपेयर्स है, ओके। यानी कि हमारा पीरियड अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024, मतलब पूरे एक साल का हमने रिपेयर्स का एक्सपेंसेस पे किया है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो इट इज़ ओनली अप टिल मार्च। देखिए अगर ये कैश असेसी जो हमने स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पर वो शायद कैश सिस्टम फॉलो कर रहा था, तो वहाँ पर तो मैंने इसको पूरा अलाउ करा दिया था, बिकॉज पेमेंट बेसिस पर, कैश बेसिस अगर फॉलो कर रहे हैं तो हम पेमेंट बेसिस पर अलाउ कर देंगे पूरा, अगर वो किसी आगे के पीरियड को भी बिलोंग करता है तो। इनकेस असेसी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर वो कोई एक्सपेंसेस लास्ट ईयर से रिलेटेड है या कोई फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, इट इज़ ओनली अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस अगर असेसी कैश बेसिस फॉलो कर रहा है। बट हेयर द असेसी इज फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस, राइट। तो फिर हम सिर्फ जितना ड्यू हुआ हमारा हमारे पीरियड में हम उतने ही अलाउ करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस कुछ ऐसे आ रहे हैं जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से बिलोंग हो रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे अक्टूबर 23 से 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, तो एक साल हो रहा है, बट हमारा पीरियड खत्म हो जाता है मार्च 24 में, राइट। अक्टूबर टू मार्च 6 महीने आते हैं, और फिर अप्रैल टू सितंबर अलग 6 महीने आ जाते हैं, यानी कि 6 मंथ्स का तो हमारे पीरियड में आ रहा है और 6 मंथ्स का ये एक्सपेंसेस हमारा नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आ रहा है। एंड बिकॉज द असेसिस फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस, तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हमारा 35,000 का पूरा एक साल का था, तो इसमें से हमारे 50% तो अलाउड हैं जो ड्यूरिंग दिस पीरियड हैं, 50% यानी कि बाकी का 6 महीने का अलाउड नहीं होगा। तो कितना नहीं होगा इसमें से, 35,000 का आधा कितना होता है, 17,500, राइट। तो 17,500 इसमें से डिसअलाउ करिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के हैं, हम ड्यू बेसिस पर ही अलाउ करेंगे। शी पेड ₹1,00,000 टूवर्ड्स एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, क्योंकि हमें यहाँ पर टैक्स पेबल निकालना है, तो पहले टैक्स लाइबिलिटी निकालिए, कोई TDS तो वो निकालिए। तो वहाँ पर देखा था कि डिविडेंड मिल रहा है हमें, उसके ऊपर 10% TDS डिडक्ट हुआ होगा, माइनस TDS करना पड़ेगा और फिर एक माइनस एडवांस टैक्स करना पड़ेगा और फिर आपका टैक्स पेबल आएगा। लास्ट MTP में मैंने आपको बताया भी था कि टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल में क्या डिफरेंस होता है, एक बार फिर जल्दी से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप अपनी टोटल इनकम निकालते हैं किसी भी मेथड से, ब्रेड से आपने टोटल इनकम निकाली, उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि SSC का कितना टैक्स आया, दिस इज कॉल्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट। इसको टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। अब इस टैक्स लाइबिलिटी में से हो सकता है कि कुछ ऑलरेडी पेमेंट हो गया हो गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ ऑलरेडी पेमेंट हो गया होगा, स्पेशली बाय वे ऑफ TDS के थ्रू या फिर TCS के थ्रू। तो टैक्स लाइबिलिटीज में से माइनस कीजिएगा TDS या TCS, जितना भी SSC का ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है या कलेक्ट हो चुका है, या फिर और माइनस एडवांस टैक्स, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद देन यू विल गेट योर टैक्स पेबल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में टैक्स पेबल ही पूछा है, यानी कि टैक्स लाइबिलिटी के बाद हमें माइनस करना पड़ेगा TDS, TCS, एडवांस टैक्स, तो हमारा टैक्स पेबल आ जाता है, राइट, ओके। और अगर हाँ इनकेस कोई AMT या मैट तो खैर इंटरमीडिएट में नहीं है, बट AMT क्रेडिट है तो उसको भी माइनस करते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा नेट टैक्स पेबल कितना है, ओके। यहाँ पर AMT क्रेडिट वगैरह था नहीं, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसको डिस्कस भी कर लिया है, और जैसे कि हम हर बार करते हैं, अब आप अपनी इस वीडियो को पॉज करेंगे, जितना आपको अच्छे से आता है उसको कोशिश कीजिए पूरा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, थोड़ा स्पीड फास्ट रखेगा शुरू से। अब हमें पूरे एग्जाम में अपनी स्पीड थोड़ी सी एक अपर हैंड रखना होगा स्पीड का, थोड़ा सा जल्दी चलिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, और थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, इतनी भी जल्दी मत कीजिएगा कि आप स्किप करें, राइट। और वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आदत पड़ जाती है चीज़ें को थोड़ा सा टाइम सेव करने की, करेक्ट। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, और मैं भी इसको कर रहा हूँ, बट अगेन मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में करूँगा, आप इसको बीच बीच में चेक कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और फिर बाद में एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
आई बिलीव आप लोगों ने चेक कर लिया होगा. सो दिस इज योर आंसर नंबर वन. ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा दिस इज आंसर वन. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स पेबल ऑफ मिस फराह फॉर दिस ईयर एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम. पहले हमने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग निकाला. अब देखिए यहाँ पर हमारे तीन हेड्स आ रहे हैं और हमें टैक्स लायबिलिटी और टैक्स पेबल भी निकालना है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप सारे कैलकुलेशंस यहाँ पर ही शो करें, स्पेशली पीजीबीपी की जिसको ज़्यादा अच्छा खासा टाइम लगेगा. मतलब थोड़ा सा वो बड़ी कैलकुलेशन होती है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें, तो हाई लेवल पर चीज़ें शो करनी ज़्यादा बेटर रहती हैं. तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ पर दिखाइए, पीजीबीपी और आईएफओएस, और फिर टैक्स दिखा दीजिए. अब मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए और आईएफओएस के लिए वर्किंग नोट इसलिए नहीं बनाया, देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए वर्किंग नोट बनाने में ना हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. तो हाउस प्रॉपर्टी में कोई इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी, 3-4 लाइन मुश्किल से वहाँ पर लगी हैं, तो हमने उसको यहाँ पर ही सॉल्व किया. पीजीबीपी क्योंकि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन थी तो उसको अलग से शो किया वर्किंग नोट को. आईएफओएस की अगेन 3 लाइन में ख़त्म हो गया था तो आईएफओएस को भी यहाँ पर ही शो कर दिया गया. राइट, तो अगर आपके किसी भी हेड में 2 या 3-4 लाइन में वो ख़त्म हो रहा है तो प्लीज़ उसको अलग से वर्किंग नोट ना बनाएं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. हाँ, पीजीबीपी का अलग से वर्किंग नोट बना दें. बट हाँ, अगर आपको पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि वो मेनली पीजीबीपी का ही है, बाकी हेड्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप पीजीबीपी यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं. राइट, तो हमने तीनों इनकम निकाली, पीजीबीपी का भी वर्किंग नोट देख लेते हैं. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D है सिर्फ इस क्वेश्चन में, बट क्योंकि यहाँ पर मिलेगी नहीं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको पता है सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलती हैं, 80CCD2, CCH2 अग्निवीर वाली और JJAA. राइट, उसके अलावा तो नहीं मिलेगा डिफॉल्ट रिजीम में, नॉट अवेलेबल. टोटल इनकम आई है, इस टोटल इनकम में कोई भी ऐसी कैपिटल गेन वगैरह 111A, 112A कैजुअल इनकम नहीं था, यानी कि कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, तो एंटायर इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स लगेंगे. ये देखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में आपको, प्लीज़ डायरेक्टली. कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि इस पूरी इनकम के ऊपर स्लैब रेट्स लगा देते हैं एग्जाम में, पर प्लीज़ देख एक बार देख लिया कि इस समय मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कोई स्पेशल इनकम नहीं है, तो इनकेस अगर यहाँ पर कोई स्पेशल इनकम होती तो प्लीज़ उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट्स लगाए जाते हैं आपके. ठीक है, दिस इज आर टैक्स प्लस 4% से सेट करेंगे, तो दिस इज आर टैक्स लाइबिलिटी 5,81,630. अब क्योंकि क्वेश्चन ने टैक्स पेबल पूछा था तो हमें टैक्स पेबल कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो अगर हमारा ड्यूरिंग दिस ईयर TDS या TCS या एडवांस टैक्स किया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा. तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि 11 लाख रुपीज़ की डिविडेंड इनकम मिली है, तो वी शुड नो, ये प्रोएक्टिव आपको करना पड़ेगा, एक तरीके से हिडन एडजस्टमेंट है ये समझ लीजिए. ठीक है, तो आपको 10% ऑन 11 लाख रुपीज़, 1,10,000 रुपीज़ का TDS का क्रेडिट मिल जाएगा, एडवांस टैक्स आपको 1 लाख का मिल जाएगा. तो अल्टीमेटली आपको दिस माइनस दिस 371,630 का टैक्स पेबल आ रहा है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम. पीजीबीपी का एक बार वर्किंग नोट देख लें, तो दिस इज द पीजीबीपी वर्किंग नोट. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें डिसअलाउ होंगी या कौन कौन सी चीज़ें आप एड बैक करनी पड़ेगी आपको, तो वो सारी चीज़ें हमने की. पीजीबीपी की इनकम 16,57,500 आ जाती है. और एक चीज़ जो हमने कैलकुलेशन में नहीं ली थी, फॉरन ट्रैवल, तो उसके लिए छोटा, देखो मैं आपको बिल्कुल सिर्फ बताना है, इंटीमेशन करनी है एग्जामिनर को कि बॉस हमें आता है, इसलिए हमने वो आपकी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया था, क्योंकि वो करनी थी इग्नोर. तो आप सिंपल, आप बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं लिखेंगे एग्जाम में, सिर्फ 1 या 2 लाइन के सिंपल प्लेन इंग्लिश में, तो मैंने सिंपल लिखा. एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑन फॉरेन ट्रैवल इज अलाउड. ठीक है, अब हमने ऑप्शनल टैक्स रिजीम. अब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में मैं जैसे बोल रहा था आपको, जब मैं आपको बता रहा था इसके बारे में डिस्कशन कर रहा था, कि दोबारा से अब यहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और आईएफओएस कैलकुलेट ना करें, डायरेक्टली जीटीआई ही लिख दें. जो हमने जीटीआई यहाँ से लिया था टोटल डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जो कंप्यूट हुआ है, सेम जीटीआई यहाँ पर लिख दीजिए. और इनकेस अगर आपका जीटीआई में कोई कुछ ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपको ऑप्शनल रिजीम के लिए करनी थी, राइट, तो उसको कीजिएगा. बट क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा था नहीं तो हमारा टाइम सेव हो गया पूरा का पूरा, तो यही जीटीआई ऑप्शनल टैक्स रिजीम में भी आएगा. तो नाउ वी हैव द जीटीआई, 80D की रिडक्शन देंगे, जैसे हमने कैलकुलेट पहले ही कर लिया था, पेरेंट्स के लिए तो अलाउड हो जाएगा 47,000 पूरा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपीज़, तो 52,000 रुपीज़ आ गया. टोटल इनकम इज नाउ 28,12,200. अगेन यहाँ पर कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है तो हम अपने स्लैब रेट्स लगा सकते हैं, 0 से 2.5 लाख वाले एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 0 से 2.5 लाख वाले स्लैब रेट्स से टैक्स ये आ जाता है, सेस लगाइए. दिस इज आर टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी में से माइनस कीजिएगा कुछ TDS या एडवांस टैक्स जो आपका गया है, एंड दिस इज अल्टीमेटली योर टैक्स पेबल, जिसको मैंने राउंड ऑफ भी कर दिया है.
अब वहां पर हमारा 3 लाख कुछ आ रहा था टैक्स पेबल, और यहाँ पर हमारा 4,72,410 आ रहा है, यानी कि ऑब्वियसली ऑप्शनल रिजीम में हमारा ज़्यादा टैक्स पेबल आ रहा है। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम इज़ नॉट एन ऑप्टिमम स्कीम हियर, तो हम उसको एडवाइस दे देंगे एसएससी को कि बॉस आप लोग ना अपने डिफॉल्ट रिजीम ही फॉलो कीजिए, वही आपके लिए अच्छी है, वहाँ पर आपका टैक्स पेबल कम आता है। ठीक है, सो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर टोटल इनकम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे एग्जाम में, ऑल्दो मैं आपको तीनों करके दिखाऊंगा, बट वो हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।